नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ बहुत दो दादे बेटे बैठे हैं। दोनों यूनिक हैं, दोनों के अपना कैरेक्टर है, दोनों का अपना एक गुण है जो इनको यूनिक बनाता है। मेरे पास बेटा राहुल यादव, तो इलेवन ट्वेल्थ में यही था, देवता गांव है जयपुर के पास। बारहवीं के साथ आपकी एज नहीं थी, फिर भी आपने बारहवीं के साथ एग्जाम, लास्ट ईयर एग्जाम थी 13 सितंबर 2020 की, 10 सितंबर 2020 तक टेस्ट के सारे रिश्ते, इनकी एज नहीं थी। जैसे एग्जाम हुई, बिस्तर पैक किए, सीकर आ गया, एक साल साथ रहा, और पहले चांस में आपका स्कोर 695 है। एक किशोर के भूल से हो गए, इसके साथ हम कोर्ट कर रहे थे, आप 695 पे है। आपके पिताजी हैं, आपके मदर हैं, बी बिल्डिंग का बालक है, इधर बैठा है चैन पांचा। इस लड़के का तो एक अलग सा करेक्टर है। ये बच्चा डूंगरपुर से है, 11वीं 12वीं पढ़ा गवर्नमेंट स्कूल में, और खास बात है ये लड़का जिस दिन सीकर सामान लेके आया उसके बाद ये घर पे एग्जाम देने गया। 10 महीने लगातार ये सीकर रहा था, अब एक बार भी घर नहीं गया। और इसका एडमिशन मुझे आज भी याद है, व्हाट्सएप के थ्रू रात को 11 बजे मैंने किया था, क्योंकि इस व्हाट्सएप ने 1.5 साल कोचिंग को चलाया, 98% मार्क्स आते हैं ना, 12th का 90% था, इसका फोटो आया था, उन्होंने कहा ठीक तू सीकर आ जा। आपके फादर हैं, आप गवर्नमेंट टीचर हैं, प्रिंसिपल टीचर, आप टीचर हैं, आपके मदर हैं, आपकी सिस्टर हैं, और तो दो परिवार हैं, दोनों बच्चे बी बिल्डिंग से हैं, एक ही हॉस्टल में रह के 795 दोनों फ्रेशर बच्चे हैं। ये टोटल 4 बच्चे जो टॉपर रहे, 2 12वीं के साथ हैं, 2 फ्रेशर हैं, ये फाउंडेशन से है, ये नॉन फाउंडेशन से है। ये भी मैसेज है, नॉन फाउंडेशन का बच्चा भी 700 नंबर ला सकता है पहले चांस में। तो सबसे पहले मैं चैन के पापा को माइक दूंगा कि साहब आप मैं जानते दूसरे को, कहां डूंगरपुर कहां सीकर, नाम तो हरियाणा दूर है, हरियाणा पड़ता है 400 किलोमीटर, आपका पड़ता है 650 किलोमीटर। आप बच्चे को छोड़ गए, कोरोना भी आया, लॉकडाउन भी आया, फिर भी बच्चा यहां रहा 10 महीने। ऐसा कौन सा ऐसा विश्वास देखा सीएससी में जिसे आपको रात की नींद ना उड़ी? प्लीज सर, मैं चाहूंगा जनरल साहब अपनी बात रखे। आप जय सीएससी। श्रवण जी बोस सर एवं समस्त सीएससी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पर, मैंने बच्चे का एडमिशन सिर्फ ऑनलाइन, मैंने सोशल मीडिया पे देख के इसका मैंने एडमिशन करा, कहीं किसी से कोई संपर्क में नहीं आया, किसी से कोई बिचौलिया कोई नहीं रखा, मैंने सिर्फ सोशल मीडिया पे मैंने उनके वीडियो देखे और मैं यहाँ लेके आ गया। फिर यहाँ आके मैंने इनका एडमिशन कराया बच्चे का, और यहाँ रख के गया। इसके बाद मैं बाबा बिल्डिंग में इसको रख के गया था यहाँ, तो इसके बाद इसको बी बिल्डिंग में शिफ्ट किया, और बीच में कोरोना काल था तो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था इसको मोबाइल से पढ़ने में, लैपटॉप में पढ़ने से। तो सर ने सी बिल्डिंग में कंप्यूटर क्लास खोल दी, वहाँ पर इजीली पढ़ा, वहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। और इस 10 महीने के बीच में मैं रोज़ बात होती थी इस सामने, यानी कि इसकी मैंने कोई परवाह नहीं की, रोज़ बात होती थी। कोरोना काल में इसकी मम्मी रोती भी थी कि घर ले आओ इसको, घर से पड़ेगा, पर ये कहता था मम्मी एग्ज़ाम होगा तो ही घर आऊँगा, इससे पहले नहीं आऊँगा। इसका संकल्प था और पूरा विश्वास था, और इनका मोटिवेशन सर का कि जो ये कह रहे थे पूरा फॉलो किया इसने, सीएलसी पूरा फॉलो किया, जैसे भी कहा ऐसे इसने किया, और आज आपके सामने सफलता है इनको मिली है। और इसके साथ ही ये बच्चा मेरे गाँव से पढ़ा, गाँव के प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा गाँव से ली इसने, तो एक्सीलेंट पब्लिक स्कूल रामगढ़ के MD मुकेश जी जैन को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, तो वहाँ से इसका फाउंडेशन अच्छा तैयार हुआ। फिर आगे 12th में उच्च माध्यमिक शिक्षा इसने गवर्नमेंट स्कूल से की, उच्च माध्यमिक विद्यालय सकानी जिला डूंगरपुर से की, वहाँ भी उस विद्यालय परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस मन से कि अच्छा उन्होंने उसको केयर किया। और फिर इसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे देख के यहाँ रखा, देखो कोई सीकर हमारे बहुत दूर पड़ता है, हमारे उधर उदयपुर और कोटा नज़दीक पड़ता है, बच्चे उधर ही मूव करते हैं, इधर कोई बच्चा नहीं आता है। पहला बच्चा मैं देख रहा हूँ डूंगरपुर से है, और इतनी बढ़िया सफलता प्राप्त की सिर्फ और सिर्फ इनके मोटिवेशन से और उनके अच्छे मैनेजमेंट और व्यवस्था की वजह से। और इसके साथ ही मैं इसके इस यहाँ के वातावरण की बात करूँगा, एनवायरनमेंट क्या काम करता सर, इसके इतनी अच्छी रैंक आने की वजह में इसके दोस्त भी मानता, इतने बढ़िया इसके दोस्त मिले सर आपस में बैठ के, या जो भी इसके डाउट आते थे वो बैठ के क्लियर कर देते थे, यहाँ तक कि डाउट पूछने आने का भी इसको जरूरत नहीं पड़ी, रूम में ही वहाँ बी बिल्डिंग में बैठ गई और इतना अच्छी तैयारी कर ली इसने कि आज इतनी बढ़िया रैंक ला रहा है।
और मेरे लिए गर्व का विषय, मेरे गांव के लिए, मेरे ब्लॉक के लिए, तहसील डिस्ट्रिक्ट के लिए, और इतनी सारी बधाई आ रही है सर, ये सब इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सीएससी पर ही। धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक यू। जेसीएलसी में बॉस और सीएलसी परिवार का धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपकी वजह से मेरे बेटे को अच्छी रैंक के साथ डॉक्टर में सिलेक्शन हुआ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हजर। इसी विश्वास के साथ में मेरी बिटिया को भी लेके आया हूँ, इसने अभी गत वर्ष ऑनलाइन यहाँ से क्लास ली थी और दिया था नेट, 553 नंबर आए, 553 आ रहे हैं, तो इसको भी यहाँ एडमिशन करवा के जा रहा हूँ ताकि फिर नेक्स्ट समय भी मेरे को यहाँ यहाँ पर मंच पे बैठने का मौका मिले। तो पक्का मिलेगा सर, पक्का। थैंक यू चैन। अब चैन अपनी बात रखें, चैन 10 महीने आप लगातार, बहुत बड़ी बात है। डूंगरपुर का बच्चा यहाँ, इसका कोई दोस्त भी नहीं, ना कोई जानकार, ना बुआ ना मौसी, उसके बाद 10 महीने केवल रहा तो सीएलसी का साथ रहा। आपने बड़ी प्यारी बात की, बहुत फर्क पड़ता है वातावरण का, बी बिल्डिंग का वातावरण बहुत हमारा, राज्य हॉस्टल हो चाहे बी बिल्डिंग हो चाहे कृष्णा या कलाम हॉस्टल हो, वहाँ एक वातावरण था बच्चों का। प्लीज अपनी बात रखें। जय सीएलसी, मैं चैन बंसल डूंगरपुर से। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जो भी आप नीट की तैयारी कर रहे हो, सब बिना प्रेशर के अपना बेस्ट करने की कोशिश करें। जब आप अपना बेस्ट करेंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली बनेगा। मैंने जब शुरुआत से यहाँ पर जब से ज्वाइन किया था, तब से बस कोशिश इतनी की थी, जितना पढ़ाया जा रहा है जो कंटेंट उनको दिया गया है, स्पेशली नीट के ओरिएंटेड हमने पढ़ाई की थी, एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसको मैंने फॉलो किया, और टीचर्स जो पढ़ाया वो मैंने जो नीट में जरूरी है वो ही पढ़ा। एक्स्ट्रा काफ़ी सारी चीज़ें होती थी वो अवॉइड करता था, और उसी की मतलब एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ और आज ये रैंक ला पाया। इसलिए बहुत पूरे सीएलसी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट था। मतलब मैं घर से दूर था तो भी रोज़ मैं कॉन्टेक्ट में ही था, मतलब मुझे लगता ही था मैं घर से दूर हूँ। यहाँ पर मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, मतलब मैं जब नया नया आया था तो मेरे दोस्त ही मुझे बताते थे कि ये पढ़ा कर वो पढ़ा कर, मुझे पता नहीं था तब एनडीए की एग्जाम में, मुझे भी लगता था कुछ भी आ सकता है, वो बताते थे कि एनसीईआरटी से ही आता है। सभी फ्रेंड्स को थैंक यू करना चाहूँगा। थैंक यू बहुत। अब मैं राहुल के पास आऊँगा, एक बहुत लाडला बेटा मेरा, बहुत अच्छा मेरा बेटा, एक ताले वाला राहुल के जोड़ा हो जाएगा। राहुल का सबसे बड़ा जे सी एल सी, मैं 2018 में सी एल सी में आया था 11th क्लास में, 2 साल बारह और फिर 1 साल बी बिल्डिंग में रहा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लास्ट टाइम तक आप धैर्य बनाए रखें, क्योंकि लास्ट टाइम मैं बहुत अपसेट हो गया था, पेपर में बहुत घबरा गया था, कि लगा था कि अब दोबारा चक्कर जाना पड़ेगा ऐसे लोग, फिर 1 घंटे में फिर पेपर जल्दी जल्दी किया तो मिस्टेक हो गई भरने में। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सीएलसी पर विश्वास करें और सीएलसी से सिलेक्शन। थैंक यू पापा मोबाइल दो। ये बहुत गहरी बात कर राहुल की, लास्ट पेपर में 1 घंटा मेरा थोड़ा प्रेशर हो गया। मैं नहीं मानता कि ये लड़का 705 नंबर नहीं ला सकता था, तो किशोर इसने, मैं उसको मेरी बातों में आपकी बातों में सिली मिस्टेक कहूँ, मैं बेवकूफ़ी कहता हूँ। मेरा डायलॉग है, हमारे घर में कोई बच्चा थोड़ा मान लो मंद बुद्धि हो जाए तो हम बोला कहते हैं, गाँव बावड़ा कहता है उसको, तो मैं इसको जानता हूँ उसकी काबिलियत थी इसमें। अब वो बैठ लग रहा हमारा नहीं, आज हमारे एम्स में 5 बच्चे होते, कोई बात नहीं, पीजी में बहुत अच्छा कर पाएंगे, और अच्छा करेंगे। तो आपके पिताजी राजेंद्र जी, प्लीज क्या कहना चाहते हैं जी आप? जय सीएलसी। मैं बोस और सीएलसी परिवार का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और जो राहुल बता रहे हैं कि 695 नंबर थोड़ा घबरा गया था, इसके साथ में जो बच्चा था जो इसके रूम में पेपर दे रहा था, उस बच्चे ने बताया कि आधे घंटे तक ये बच्चा सो गया, सोने के बाद में उठा है, उसके बाद में 2.5 घंटे में इसने पेपर किया है, 2.5 घंटे में 695 नंबर। और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया था 11th क्लास के लिए इसको लेकर, उससे पहले 2 कोचिंग में और भी गया था, 12:30 1 का टाइम हो गया था, तो राहुल बोले पापा नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, बाहर निकले, सीएलसी का बोर्ड नज़र आया, यहाँ आ गए। आए थे हम इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद में राहुल ने यहीं बैठे थे, हम राहुल ने कहा मुझे नीट की कोचिंग करना, फिर यहीं से नीट के लिए यहीं छोड़ गया था मैं, उसी दिन बिस्तर वगैरह भी इसके बाद में यहीं रहता था। थैंक यू। आप कुछ बोलना चाहेंगे भाई साहब? तो ये हमारे दो बहुत लाडले बेटे, बी बिल्डिंग के हीरो हमारे, जो अच्छे मेहनत करके पहुंचे हैं, तो बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू।